नमस्ते टू ऑल। हम बात करें टीजीटी पीजीटी नेट इंग्लिश जूनियर एलटी ग्रेड या कोई भी इंग्लिश का जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए चेंज करने के लिए एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आते किस तरह के ज़्यादातर इस तरह के क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। इस तरह के आपको समझ में आना चाहिए यही कुछ वर्ड्स हैं इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं बल्कि इन्हीं वर्ड्स में से आज आता रहता है घूम फिर के आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब ये वर्ड जो है इस तरह के ये सिंगुलर में दे रखे हैं तो ये प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस में क्या आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं चार उसमें से या फिर ऊपर लिख दिया जाता है इफ का प्लूरल बनाइए कि प्लूरल क्या होगा इफ का। तो तब हम इफ का क्या कि सब कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाते कि इफ का भी प्लूरल हो सकता है ये वर्ड जो है इनका प्लूरल बताइए इस तरह से ही पूछा जाता है आपसे या फिर पूछ लिया जाता है कि वो प्लूरल देखे सिंगुलर पूछ लिया जाता है कि सिंगुलर बताइएगा। अब इफ हमारा इफ का जो हमारा प्लूरल होता है वो होता है इफ्स। ये इफ्स में एच जो लगेगा ये छोटा सा जैसे यहाँ लग जाता है इस तरह से लगता है आई एफ एस इफ्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है यहाँ हमने आई दे रखा है टी दे रखा है। अब ए बी सी डी ए से जेड तक कोई सा भी अल्फाबेट हो अगर उसे प्लूरल में आप सोचेंगे कि प्लूरल में भी लिखे जाते हैं कि हाँ ये प्लूरल में पूछे जाते हैं बनते हैं इन पर क्वेश्चन। तो मान लो इसकी जगह ए बी सी डी ये कोई सा भी अल्फाबेट हो मैंने आई दे रखा है तो हम जब उसको प्लूरल करेंगे तो आई को इस तरह से लिखकर कोमा लगाकर उसमें यहाँ एस लगा दें ये इसका प्लूरल होगा। कोई भी अल्फाबेट हो मान लो ए है इसका प्लूरल यहाँ कोमा और यहाँ एस बी है कोमा एस सी है कोमा एस ये कोमे पे जरूर ध्यान देना क्योंकि भाई एग्जाम में ए एस इस तरह से भी लिख सकते हैं तो या फिर ए ई एस करके भी लिख सकते हैं तो आपको सिर्फ इस कोमे वाले पे ध्यान देना है कि इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है फाइव। अब फाइव हो वन हो टू है वन से कहीं तक भी कोई गिनती है उसे प्लूरल में कैसे लिखेंगे यहाँ तो मैंने सिर्फ फाइव लिखी है लेकिन इसको हम प्लूरल में कैसे लिखेंगे फाइव के आगे हम एस लगा देंगे। अब वो आपको एग्जाम्पल आपको धोखा देने के लिए फाइव के यहाँ एस लगा कर भी दे सकता है या फाइव के साथ ई एस भी दे सकता है कुछ भी अपने अकॉर्डिंग में दे सकते हैं लेकिन हमारा करेक्ट कौन सा होगा जहाँ ये फाइव के साथ एस हो फाइव हो फोर हो थ्री हो हंड्रेड हो कोई सी भी डिजिट हो उसके पास ही प्लूरल बनाने के लिए एस लगा होता है और इसका अगर सिंगुलर पूछ लिया है तो ये होता है इस तरह से इसको उलट पुलट आप कर लीजिएगा कि प्लूरल पूछे तो सिंगुलर ये होगा बी ए जो बैचलर ऑफ आर्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी वही बात आती है कि एस लगा देंगे वो आपको अपनी तरीके से कोमा लगा के दे दे या ई एस जोड़ के देखिए या बी एस जोड़ के दे दे कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बी ए के बाद एस होगा या फिर जैसे यहाँ पर एम ए है एम ए के बाद भी एस होगा तो यही वर्ड आपको प्लूरल बनाना है। लेकिन नेक्स्ट ए टी एम ये वर्ड वो दिए हुए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं घूम भर कर और एम ए बी ए तो कोई गिनती नहीं है कितनी बार आ चुके हैं। ए टी एम का भी सेम वही है ए टी एम जैसे लिखते हैं तो ए टी एम का प्लूरल हमारा ये होगा यहाँ छोटा सा एस बना देंगे वो तो ये ए टी एम का ए टी एम्स इसका प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट बट है बट का आप सोचे आपकी बट का ही प्लूरल हो सकता है जी हाँ यहाँ एस लगा देंगे। टी है तो सेम वो अल्फाबेट वाला टी और ये एस। टेन है अब टेन का है कोई भी डिजिट वही दी गई थी हाँ फाइव था तो एस बताया था तो सेम टेन के बाद एस। एम पी एम पी एम एल ए जो होते हैं इनके बाद ये एस कोई भी हो सकता है एम पी एम एल ए कोई भी राजनीतिक हो सकता राजनीति जो होते हैं ये लोग हो सकते हैं। एम ए का भी सेम एम ए और एस और यू पी एस सी का भी यू पी सी लिखा हुआ है इन्होंने बस एस कोई भी हो लगना इस तरह से एस ही है तो ये वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा लर्न कर लीजिएगा फिर भी कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।